बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एरोक्स 3.2 की मशीन जो है वो चेक करने जा रहे हैं। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि हम इसको टेक्निकली ग्राउंड पे कैसे चेक करते हैं। तो हमने 400 वॉट के मोनो पर के इसमें 10 पैनल लगाए हैं एक ही स्टिंग में, ताकि हम इसकी एफिशिएंसी चेक कर सकें और जो इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर मॉनिटर कर सकें। अच्छा, इस इन्वर्टर पर हमने 4000 वॉट का सोलर इनपुट दिया हुआ है और इसका जो इस वक्त रनिंग लोड है इस इन्वर्टर पर वो 2.58 किलो वॉट है। और अभी हम सोलर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो सोलर जनरेशन है वो 2.69 किलोवाट, मतलब 2.7 किलोवाट के अराउंड जो है ये हमारा सोलर इस वक्त जनरेट कर रहा है। टोटल 4000 वाट का सोलर है। लाइन लॉस के बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली 3000 वाट जो है वो हमें इससे मिलने चाहिए, जो कि मोनो पर की क्वालिटी है। इसकी टोटल लोड बेरिंग कैपेसिटी भी इस वक्त चेक हो रही है। अच्छा, एक चीज़ फ्रेंड्स जो बताने की है वो ये कि एरोक्स 3.2 किलो वाट नहीं है, के वी ए है। तो 3.2 बेसिकली अगर हम आउटपुट में आप देखें 3.5 या 3.2 के वी ए का लोड जो है वो ये उठा सकता है। इससे ज़्यादा लोड जैसे ही किलो वाट में जाता है तो ये बीप देना शुरू कर देगा। तो इसका किलो वाट जो है वो 2.8 अराउंड यही बन रहा है। तो ये देखें, इसके आउटपुट 3.14 के वी ए है और ये जैसे ही 3.2 के वी ए क्रॉस करेगा तो बीप करेगा। तो किलो वाट में ही 3.72 किलो वाट, मतलब 2.8 किलो वाट के अंदर का लोड है और यही लोड आप इस पर सस्टेन कर सकते हैं। अगर इससे थोड़ा सा भी लोड बढ़ेगा तो ये देखें 99% अपना बता रहा है कि आउटपुट लोड है, उसके बाद ये बीप शुरू कर देगा। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा सोलर क्या हमें परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये 2.77 किलो वाट हो गया, मतलब 2.8 किलो वाट अराउंड आ रहा है। हमने जो आपको एक प्रेडिक्टेड पॉइंट बताया था कि हमें 3000 वॉट के अराउंड आना चाहिए, तो ये उससे थोड़ा सा कम है। तो 2.78 किलो वाट हमें सोलर से जनरेट होके मिल रहे हैं और उसके बाद 4 एम्पियर पे बैटरी चार्ज हो रही है। 108 वॉट जो है वो बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ हो रही है। 27 वोल्ट पे बैटरी चार्ज है और बैटरीज इसमें नॉर्मल लगी हुई हैं, जो ऑटोमोबाइल में बैटरीज यूज़ होती हैं, ट्यूबलर बैटरीज नहीं है। तो ये आउटपुट लोड है इसका और ये मैक्सिमम लोड है इस वक्त, मतलब समझ लें कि इन्वर्टर का जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर वे में चेक हो रहा है कि केवीए में वो कितना लोड इस वक्त दे सकता है आपको और किलोवाट में कितने बनते हैं। तो बेसिकली ये किलोवाट में नहीं है जो एरोक्स लिखा हुआ है 3.2 किलोवाट, ये 3.2 केवीए है। तो ये जो सेम इशू है ये काफ़ी सारी कंपनीज कर रही हैं, सिर्फ एरोक्स ही नहीं कर रहा, और भी ब्रांड्स जो हैं वो इसी तरह से करते हैं कि मार्केटिंग जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाइना के जनरेटर्स पे लिखा कुछ होता है और उसके आउटपुट कुछ और होता है, तो ये भी इसी तरह से सिमिलर स्टोरी है इसकी। देखिए कांस्टेंट लोड है। देखिए मोनो पर की एफिशिएंसी अभी 2.9 किलोवाट जनरेशन हो गई है। 10 पैनल हमने इसमें डाले हैं 400 वॉट राइजन और एक ही स्टिंग इसका हमने कर दिया है, तो ये 2.89 जो है वो जनरेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। अभी इसका पूरा 3.2 के वी ए का लोड है। मैं आपको दोबारा चेक करवा रहा हूँ, बैटरी चार्जिंग पर है, वॉट्स जो हैं ये शो हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसके आउटपुट पे, तो देखें 101% लोड है, मतलब 100% इसका जो कैपेसिटी है वो लोड है। तो ये देखें के वी ए 3.22 के वी ए का लोड इस वक्त इस पर रनिंग है और हम आउटपुट किलो वाट के अंदर अगर हम देखें तो 2.87 किलो वाट है। तो इससे आगे अगर हम एक सेवर भी ऑन करेंगे तो ये बीप देना शुरू कर देंगे। ये 2.89 किलो वाट जो इसका लोड है ये सस्टेन है इस पर। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी चेकिंग है सोलर की भी, इन्वर्टर की भी और एक प्रोजेक्ट की। तो इसे कहते हैं 100% टेस्टिंग। तो इस वक्त तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है, ये देख सकते हैं आप 2.89 किलो वाट आपका पीवी जनरेटेड है, 2.9 आ गया। तो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवाएं उसको प्रॉपर वे में सोलर इनपुट दें, ताकि लाइन लॉस जितना भी है वो उसमें कवर अप हो जाए और आपका बैटरी जो है वो डाउन ना हो। इसकी प्रोग्रामिंग में हमने सिर्फ बैटरी चार्जिंग सोर्स जो है वो सोलर रखा हुआ है, ताकि के इलेक्ट्रिक जो है वो यूज़ ना हो। कराची के लिए एक आइडियल सेटिंग है ये और इसी सेटिंग के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स में हम कराची में रन अप होते हैं कि आपके यूनिट सेव हों। तो बैटरी अगर रात में एक आधा घंटा लाइट जाती है तो बैटरी उसको बैकअप दे सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा उन पॉइंट्स को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये वोल्टेज थोड़े से मजीद सोलर से आए हैं 2.91 किलोवाट। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो नॉर्मल बैटरीज डली हुई हैं, मैंने कहा आपको एक लुक दे दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये बैटरीज हैं, इसमें नॉर्मल क्वालिटी की और नॉर्मल कैपेसिटी की डली हुई। फ्रेंड्स ये व्यू है पैनल्स का, तो आप काउंट कर सकते हैं 4 पैनल्स ये फ्रंट रो में हैं और 6 पैनल्स जो हैं वो बैक रो में हैं। तो ये टोटल जो हैं वो 10 पैनल हैं और ये 10 के 10 पैनल जो हैं वो राइजन के हैं। और ये आप इसका रिज़ल्ट चेक कर चुके हैं और हम इसको 91% एफिशिएंसी इसकी चेक कर चुके हैं मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस में। तो ये आज का टेस्ट था, लाइव टेस्ट। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। देखें टाइम और डेट बड़ा मैटर करती है प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये 11:50 का टाइम है 15 अक्टूबर। तो ये चीज़ आपको दिखाना ज़रूरी थी ताकि आपको एग्जैक्टली हम बता सकें कि ये चीज़ प्रॉपर वे में चेक हो रही है और बन रही है। तो यही इसका आपको बताने का मकसद था कि हम एक जो हमारी जो बताने का मकसद ये कि जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको कोई धोखा या कोई इस तरह से ढकी छुपी बात नहीं है कि आपको लगे कि यार हमने सिर्फ ऐसी बात कर दी है या आपने कोई पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियो एडिट करके दिखा दिए। ये तकरीबन लाइव रिकॉर्डिंग ही होती है कि आपके सामने ही हम सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अपनी साइट्स पे होते हैं। इसलिए एक तरह से जिस तरह से एडिट करके लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, उस तरह से एडिटिंग इसकी प्रॉपर वे में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है हम रियलिटी आपको शो करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने, आपका दोस्तों का फीडबैक जिनका आता है और जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं हमें बहुत खुशी होती है उससे और हमें हौसला मिलता है काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्पिरिट से हम अपने काम को जारी रखेंगे। मैं आपको सिर्फ पैनल का स्टिकर चेक करवा देता हूं जो कि एक लास्ट चीज़ रह गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये राइजन का पैनल है और 400 वॉट का ये पैनल है। थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। ये राइजन का पैनल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा लाइट की वजह से थोड़ा सा फोकस का मसला आ रहा है। ये 400 वॉट का मोनोपर्क का पैनल है राइजन का। तो ये अगर आप पैनल भी हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो 38 रुपीज़ पर वॉट ये पैनल हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।